आप ये वाला प्रोडक्ट अमेजन पे सर्च कर लोगे तो आ जाएगा। तो अब इसको असेंबल करने के लिए इसमें वीडियो दिया हुआ है। तो ऐसे जिम ढूंढने के सोच रहा हूँ जहाँ पे पर डे के हिसाब से हो जाए, जितने दिन जाओ उतने दिन का पे करो, जितने दिन ना जाओ उतने दिन का। क्या एक्सपीरियंस है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों को भी लेना हो तो आप दो अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। सोनिया का कहना, क्योंकि सोनिया का फोन हाथ में जल्दी आता नहीं है, क्योंकि कहीं वो इधर होती कहीं उधर होती, कहीं उसका फोन कहीं कुछ कहीं बैटरी नहीं, तो ये सब वो सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भैया आज की? राम राम। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम चकाचक होंगे। तो भैया सुबह उठ गए, आज जल्दी उठ गए थे, पता नहीं क्यों। बाद में पता चला कि मैडम को जल्दी अपने घर जाना था, कुछ प्रोग्राम वगैरह है उनके घर में जो शादी वगैरह में चलते रहते हैं, जैसे लाइक लेडी संगीत, हल्दी सेरेमनी, जो भी मतलब यही सब चलता है। तो फटाफट उठ के अपना नहा धोकर फटाकर अपने आप तो निकल ली। मुझे बोल गई कि दोपहर में आना है, खाना है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना टाइम से अपने वहाँ पे आ जाऊँगा। तो मैं भी अपना नहा धोकर फ्रेश करके पूजा पाठ करके नाश्ता करके एकदम रेडी नहीं हूँ, आराम से अपने अपने उसमें ही हूँ, बस रेडी होंगे आराम से निकलेंगे। अभी लगभग 11:05 हो गया, 11:05 हो गया, मतलब 11 मान लो। और बताओ भाई लोग, ठंडा आप लोग तो पड़ रहा नहीं पड़ रहा? यहाँ तो बस हवा चल रही, हवा भी ठंड रहेगी, बाकी तो एकदम नील बटे सन्नाटा है। देखो ना टी शर्ट में, मतलब हाँ अगर बाहर खड़े हो तो ठंडी हवा चल रही, ठंडी धूप निकली हुई लेकिन ठंडी हवा चल रही। तो भैया ना सुबह एकदम से ठंडा हो जाता है, शाम में ठंडा हो जाता है, और रात में तो ठंडा रहता ही है, और दिन में एकदम धूप निकल रही। तो चलो अभी फिलहाल अपने काम धाम से लगते हैं, पहले देख रहा हूँ उस चेयर को भी संभल करना। सोच रहा हूँ कि पहले वहाँ जाऊँगा उसके बाद आकर करूँ या पहले कर लूँ, क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। फिलहाल अभी टाइम है ससुराल जाने में, तो उससे पहले अपना काम कर लेते हैं, इसको अनबॉक्स तो कर ही लेते हैं, असेंबल बाद में कर लेंगे। काफ़ी हैवी है लगभग यार, इसका वेट देखा जाए तो अराउंड 25-30 किलो तो लग रहा है मुझे, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं पता, कहीं लिखा हो तो बात अलग है। तो फिलहाल इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ये बियाथो की चेयर है, ये मुझे अच्छी लगी, इसके मैंने रिव्यू देखे थे तो बढ़िया लग रहा। आपको भी अगर परचेज करना हो तो आप ये वाला प्रोडक्ट अमेजन पर सर्च कर लोगे तो आ जाएगा। बाकी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद देखते हैं किसका क्या कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहता है क्या नहीं। अभी तो इसको असेंबल करना पड़ेगा, तो चलो पहले इसको थोड़ा अनबॉक्स कर लें। तो फाइनली ये अनबॉक्स हो गया है, ये रहा इसका बैक पोर्शन, ये हो गया इसका व्हील, ये हो गया इसका हाइड्रोलिक के साथ जो एडजस्टमेंट है वो, और ये होगी सीट। सीट तो देखने में स्टडी लग रही है, फोम की लग रही है, देख अब ये तो बैठने से पता चलेगा, और कुछ टाइम बाद यूज़ करने बाद पता चलेगा कि कितनी स्टडी है, ऐसा ना हो कि बस ये गड्ढा ही बन के रह जाए। ठीक है, स्टडी है ये। अगर आप ऐसे देखो, ये मैंने इसमें कलर ऑप्शन भी थे, जो ये जाली नेट लगी हुई है ये ब्लैक ग्रे रेड वाइट ब्लैक और ग्रीन में भी थी इवन, तो मैंने ग्रे मंगाई थी क्योंकि बाकी तो पसंद नहीं आ रही थी, ये सही लग रही थी। तो ये थोड़ा इसका पोस्चर अच्छा है, थोड़ा सा ये देखो थोड़ा सा बेंड है ताकि थोड़ा सा बैक को सपोर्ट मिले। अब इसको असेंबल करते हैं, देखते हैं कितनी देर में असेंबल हो जाती है। लगे हैं तो इस टेबल को भी अनबॉक्स कर लिया जाए ताकि इसको भी देख लें कि ये कैसी है कैसी नहीं। मुझे तो लग रहा था थोड़ी छोटी आएगी, हो सकता है ये पैकेजिंग में थोड़ा बड़ी लग रही हो, अंदर इतनी इतनी हो, यहाँ से इस लाइन से उस लाइन तक। चलो इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं, कुछ इशू वगैरह होगा तो रिटर्न कर लेंगे, अभी भी विद इन रिटर्न पीरियड है, टाइम है अभी रिटर्न करने का अगर लगता है कुछ तो। अब इसको असेंबल करने के लिए इसमें वीडियो दिया हुआ है, तो इसको चेक करते हैं कि वीडियो था या पीडीएफ मैनुअल था। इमेजेस एंड वीडियो में जा करके ये रहा इंस्टॉलेशन मैनुअल, ये वीडियो भी दिया हुआ है, इसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पीडीएफ देखूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। ये सारा स्टेप दिया हुआ 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंगली, तो आप फॉलो करना। तो चलो करते हैं असेंबल इसको।
चेयर सेटअप हो गई है, काफी टाइम तो ज्यादा नहीं लगा, हाफ एन आवर भी मुश्किल से नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा इसको टाइट करने में, ये बैक साइड को टाइट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, दोनों इसको एडजस्ट करके स्क्रू लगाने थे, बाकी सब तो इजीली हो गया। ओके चलो, अब इसको नीचे रखते हैं, देखते हैं। तो फाइनली अब अपनी नई चेयर आ गई है, अब इस पर आराम से बैठ के काम किया जा सकेगा। अच्छी लग रही है देखने में, कमेंट में बताना कैसी लग रही है आपको, ये कलर कैसा लगा और चेयर कैसी लगी। बाकी इसका यूज़ करूँगा तो पता चलेगा कि कितनी स्टर्डी है और कितना इसका अच्छा क्वालिटी, वैसा तो मुझे ठीक लग रहा है। तो गाइस अभी बच गए हैं लगभग 2:30, अभी जा रहा हूँ मैं अपने इन-लॉज के यहाँ। सोनिया तो पहले निकल गई थी सुबह ही, मतलब सुबह क्या, मतलब 10 बजे का अराउंड निकल गई थी, अभी जा रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि आज का खाना वहाँ पर है। तो सोनिया का भी कॉल आया था कि आ जाओ, तो अभी फिलहाल मैं फटाफट से रेडी हो गया हूँ, सारा अपना काम तो ऑलमोस्ट निपटा ही लिया था, अभी आ करके फिर कर लेंगे। और चेयर भी अपनी असेंबल कर ली है, तो बहुत बढ़िया आराम से मजे से बैठा उस पर, और अभी रिलीफ मिल रहा है उसका। सबसे मेन था कि इसका हाइट एडजस्टमेंट बढ़िया है, तो अब ये रह नहीं रखा ना कि बैठ गया तो एकदम नीचे बैठे तो पेट दब रहा है, ये सब इश्यू खत्म हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं, बाहर धूप अच्छी हो रही है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, पास है तो वॉक करके जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज उस तरह से हो नहीं पा रही है और जिम ज्वाइन कर नहीं सकते, क्योंकि जिम ज्वाइन करके फायदे क्या है, 10 दिन यहाँ, 10 दिन बाहर, फिर 5 दिन यहाँ, 1 हफ्ते बाहर, मतलब महीने में 15 दिन तो बाहर ही होते हैं। तो कुछ या तो 15 दिन कंटिन्यूस बाहर हो तो समझ में, या 15 दिन रेगुलर कर लें, अब 1 दिन यहाँ, 4 दिन बाहर, फिर 2 दिन यहाँ, फिर 5 दिन बाहर, ऐसा चल रहा है, तो वो वेस्ट तो मनी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी कुछ उसका, देखते हैं घर में भी थोड़ा सा, इसलिए मैंने इतना फॉर टाइम भी वॉक करना स्टार्ट कर दिया है कि ज़्यादा सा हो सके गाड़ी से ना जाकर लोकल वगैरह है ना, एकदम बढ़िया टहलते टहलते जाओ, थोड़ा सा वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप वॉक नहीं करते हो, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वॉक करना स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज भी करने लग जाओ। तो मैं घर में ही रूटीन बनाऊंगा कि कुछ एक्सरसाइज वार्म अप टाइप्स हो जाए, फिर देखेंगे जिम का क्या है, कोई ऐसे जिम ढूंढने के सोच रहा हूँ जहाँ पर पर डे के हिसाब से हो जाए, जितने दिन जाओ उतने दिन का पे करो, जितने दिन ना जाओ उतने दिन का पे ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे तो फिर मेंबरशिप बेकार होती रहेगी ना। चलो फिलहाल अभी शूज़ वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं, अपना खा पी के आते हैं। तो गाइस आ गए वहाँ से खा पी के आराम से, अभी बज गए लगभग 5 बज गए, और ये कोरियर भी आ गया, टाई मंगाई हुई थी ना, तो ये टाई भी आ गई है, तो ये ब्लैक कलर के सूट के साथ मैच करनी थी, तो मैंने ये थोड़ी सी डिसेंसी मंगा ली, ज़्यादा मैंने अपनी शानी वानी नहीं मंगाई, ताकि थोड़ा सा ग्रे के फॉर्मल्स, थोड़ी सी हल्की फुल्की शानी ब्लैक शर्ट मंगाई थी, क्योंकि इस बार सोच रहा हूँ कि वाइट शर्ट ना पहन करके ये सूट के नीचे ब्लैक शर्ट पहनी जाएगी, इसी हिसाब से फिर मैंने ये ब्लैक टाई भी मंगाई। एक थी लेकिन वो थोड़े से थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट है, मतलब वो वाइड नहीं है, तो इसका ये वाइड नॉब मंगाया है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर लिया। अब इसको अभी क्या दिखाऊंगा, वो दिन प्रिपेयर होऊंगा या तब बांध के तब दिखाऊंगा। तो चलो पहले इसको देख लेते हैं कि कुछ इफेक्ट है, डिफेक्ट वगैरह कुछ हो तो इसको रिटर्न भी करेंगे, करना होगा। तो सर देखने में तो अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। इसमें मैंने प्लेन नहीं मंगाई, हल्का सा डिज़ाइन रखा है कि थोड़ा सा डिज़ाइन उसमें अच्छा लगेगा, प्लेन ज़्यादा मज़ा नहीं आता, किसी किसी के साथ सूट कर देंगे, ये मुझे दिखी तो ये उठा लिया। तो बाकी आप कमेंट करके बताना कैसे लग रही है, बाकी तो जब पहनूंगा तब अच्छा से लुक निखर के आएगा पूरे सेट के साथ, यानी पूरे सूट में। मैंने उस शेयर से भी निकाल करके जो ये बैक सपोर्ट है, ये सपोर्ट वगैरह इसमें लगा दिए हैं, ये बहुत अच्छी नेट लगी हुई है, अब ये पता चलेगा जैसे जैसे यूज़ करूंगा तो कितना स्टर्डी रहता है, कितना इसमें ये रहे ना, इसमें नेट से ब्रीथिंग रहेगी, और थोड़ा इसका जो डिज़ाइन ऐसा है कर्वी टाइप का, जिससे बैक को आराम मिलेगा, तो ये भी मैंने साथ से लगा लिया, क्योंकि इनको फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता ना, ये और आराम ही देंगे, बैक सपोर्ट के लिए हो गया, बैठने में आराम, सीटिंग के लिए हो गया। बस सोच रहा हूँ इसकी जो ये पन्नी उतार दूँ, क्योंकि इस पर ऐसे स्लिप कर रहा है, बार बार आगे सरक जा रहा है, जल्दी उतार दूंगा तो गंदी होने लग जाएगी। हम लोग इंडियंस लोग वैसे भी पन्नी बहुत देर में उतारते, क्योंकि मैं लगता है बहुत टाइम तक चीज़ें नई लगी रहती हैं, पन्नी चढ़ी रहेगी। तो फिलहाल एक ही चीज़ हो गई, अब उस टेबल को, टेबल बोलने उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, टेबल थोड़ी सी बड़ी आई है, वो यहाँ से अगर यहाँ लगाता हूँ तब तो जाकर ऐसे फोल्ड होगी, मतलब यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ तक आएगी, ऐसे फोल्ड करेंगे तो, अब या तो फिर इसको हटा दूँ, लेकिन इसको हटा दूँ तो ये लग रहा है इसको भी यूज़ रहता है ना, फिर इसको बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कंफर्टेबल रहती है मुझे काम करने। मेरा मोटो ये था कि जब मुझे खड़े होकर के काम करना हो तो कुछ ऐसा फोल्डेबल जिसको ऐसा खड़ा किया कर लिया। चलो ठीक है, देखते हैं अगर वो हटाना होगा तो हटाएंगे, उससे ये रहेगा कि इसको कभी भी अनफोल्ड कर दिया तो ये जगह बन जाएगी चेयर आगे कर दी, क्योंकि इसमें ऐसा होता नहीं, ये पूरा ब्लॉक रहता है। खैर कोई नहीं, देखेंगे, मैंने मेरा मेन पर्पज़ तो यही था कि यहाँ पर लगा दूंगा, जब यूज़ किया तो फोल्ड कर लिया, नहीं यूज़ किया तो फोल्ड करके बंद कर दिया,
और ये अपना एज इट इज रहेगा। मेन द चेयर को किसकी हालत देख लो, ये कितने नीचे है, ये इसका हाइड्रोलिक बिल्कुल बेकार होगा। 3-4 बार मैंने इसको ठीक भी किया है फिर भी, और इसका ये एक तरह का हैंडल टूट गया था, और ये मतलब चेंज करना ही था क्योंकि इसमें इसमें बहुत डिफरेंस था। पहले से तो सबसे मेन मेरा जो हाइट एडजस्टमेंट का था वो इशू रिजॉल्व हो गया, और इसका स्ट्रेट बैक है जो कंफर्टेबल नहीं लगता था, इसका थोड़ा कर्वी है देखोगे तो, ये डिज़ाइन इसका ऐसे कर्वी है जो बैक के हिसाब से, तो पोस्चर भी इससे सही आता है। और ऊपर से डबल प्रोटेक्शन मैंने ये लगा लिया है, प्रोटेक्शन क्या कंफर्ट के लिए ये लगा लिया है, जब तक ये चलेंगे तब तक यूज़ होते रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए थम्स अप, कमेंट करके बताना कि आपको ये चेयर्स कैसे लगी, और आप लोग में से कोई सेम ब्रांड या सेम डिज़ाइन का अगर चेयर यूज़ कर रहा है तो उसका क्या रिव्यू है, क्या एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को भी लेना हो तो आप लोग अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक क्या मैं आपको अगर बेतो करके सर्च करोगे तो, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, इसको प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो आप ये वाला चेयर यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। मुझे ये लगभग शायद 3700 में पड़ा था डिस्काउंट के बाद, जो भी कूपन ऊपन सब लगाने के बाद। iOS के जितने भी न्यू रिलीज आते हैं उनका बीटा सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं लगभग 13 से बीटा सॉफ्टवेयर यूज़ करता आ रहा हूँ, iOS नहीं शायद 10 या 11 से मैं करता आ रहा हूँ, फिर 13 बीटा आया, ये आया, वो आया, क्योंकि मैं ऑफिशियल रिलीज से पहले ही मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता हूँ उसका, तो मुझे पहले ही चस्का रहता है कि जैसे ही अनाउंस होता है तो मैं, क्योंकि जून में WWDC का होता है कॉन्फ्रेंस होता है उसका, और एप्पल उसमें अनाउंस कर देता है नया iOS। उसके बाद लगभग जुलाई में उसका फर्स्ट पब्लिक डेवलपर बीटा आता है, फिर एक हफ्ते बाद पब्लिक बीटा आ जाता है, तो उसके बाद यूज़ करते हैं, तो अभी वैसे इंतजार कर रहे हैं कब जल्दी से उसका 18th वर्जन आए, देखते हैं इस बार क्या नए चेंजेस आते हैं। तो फिलहाल इसको अपडेट कर लेते हैं, और एक फ़ोन तो जिससे मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ उसको अपडेट कर ही लिया है, बाकी दूसरा भी अपडेट हो गया है, हाँ हो गया है। सोनिया का कहना क्योंकि सोनिया का फ़ोन हाथ में जल्दी आता नहीं है, क्योंकि कहीं वो इधर होती कहीं उधर होती, कहीं उसका फ़ोन कहीं कुछ कहीं बैटरी नहीं, तो ये सब वो सब। और हाँ, ध्यान आया कि वॉच OS भी देखना है कि अगर वॉच OS आया होगा तो उनको भी अपडेट कर लेंगे, तो आज रात में उनको लगा के फिनिश करके वो चीज़ निपटा देंगे, क्योंकि अपडेट रहता ना तो सही रहता, क्योंकि उसमें कई सारी सिक्योरिटी अपडेट्स भी होते हैं।